डाउट नॉट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचे, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, आईटीजेई, मेंस, एडवांस का हो या किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही डॉट नेट पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड डॉट नेट ऐप। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और आईटीआई प्रवेश परीक्षा के एग्जाम डेट से संबंधित 19/9/2020 को जो नोटिस जारी किया गया था, इस नोटिस में जो है आप लोगों को बताया गया था, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 15/10/2020 को पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 26/10/2020 को जो है आपका आईटीआई का एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा। और देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो है 31/10/2020 को होगा और पैरामेडिकल का एग्जाम 1/11/2020 को होगा। वहीं पर आपका आईटीआई का जो एग्जाम है वो 8/11/2020 को आपका होगा। इसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर जो है हम लोग का एग्जाम इस बार जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना के कारण कैसा स्थिति बना हुआ, और ये सवाल पूछना आपका जायज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर आपका एग्जाम जो है इस बार अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। आपको बता दें कि इस चैनल पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है तैयारी करवाया गया है। तो अगर आप भी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है सभी सब्जेक्ट का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्प वहाँ से मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर आपका एग्जाम जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर के एग्जाम को, तो आपको बता दें कि बहुत दूर दूर जो है स्टूडेंट को भेजा जाता था एग्जाम के लिए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है तो आपको कटिहार भेज दिया जाता था, पूर्णिया भेज दिया जाता था, यानी कि बहुत दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता था, ताकि जो है वो नकल का जो सिस्टम है वो कम हो पाए। लेकिन इस बार जो है आपका जो संभावना है 90% संभावना है कि आपका एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, क्योंकि कोरोना के कारण आप सभी जान रहे हैं कि कितना स्थिति खराब है और बहुत जो आपका जो गाड़ी है वो भी बहुत कम ही चल रही है। तो 90% आपका संभावना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एग्जाम होगा। 10% आपका संभावना है कि आपका जो एग्जाम है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। वैसे 15 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो आपको हम लोग जो है सबसे पहले बता देंगे कि आखिर आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है कैसे डाउनलोड करेंगे, और एडमिट कार्ड में आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपका एग्जाम डेट जो है, सॉरी आपका एग्जाम जो है वो कब कहाँ होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पल पल का खबर, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सारा जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और आपको बता दें कि बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है वहाँ वो मोबाइल ऐप आप लोगों के लिए। आशा करते हैं कि आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।